हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होना है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीखने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 नाना की ये पत्रक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलरेडी उस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड है, प्लीज़ रिक्वेस्ट हो पहले जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें आने वाले सारे मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आज हम दोबारा एक और न्यू सम्स के साथ प्रैक्टिस करने वाले। आज हम लेटेस्ट सम्स लेने वाले हैं वो 2019 में जो इस चैप्टर में से सम्स पूछा गया था, जो 14 मार्क का एग्जाम में पूछा गया था। और कौन सी मेथड के लिए पूछा गया था, वो मेथड थी ट्रेंड परसेंटेज स्टेटमेंट वर्लन द साउटी टकावारी। यहाँ पर पूरा सम्स मैंने राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 ईयर का हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जहाँ पे स्टार्टिंग मैंने जवाबदारी लाइबिलिटी दी गई है, उसके बाद सेकंड मिलकत, यहाँ पर एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दी गई। तो पूरा सम्स यहाँ राइट डाउन किया हुआ है। आपको भी सॉल्यूशन करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, पूरा सम्स आपको राइट डाउन करना कंपलसरी है। जितने ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई वो पूरे ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा सम्स सबसे पहले आपको लिखना रहेगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस मेथड के लिए ट्रेंड परसेंटेज स्टेटमेंट वलन दशमलव टकावरी के लिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है। और 14 मार्क के लिए ये चैप्टर ही सबसे ज़्यादा इजी माना जाता है इस बुक के अंदर। तो देखिए, सॉल्यूशन करते समय याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जितने ईयर दिए पहले उसको फोकस कीजिएगा। यहाँ पर 2017, फिर 18 और 19, 3 ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, पूरा सम्स आपने राइट डाउन किया होगा कंपलसरी स्टार्टिंग में। और उसके बाद आपको जो टकावरी बनानी है, जो परसेंटेज बनाना है, ठीक है, तो आपको याद रखिए तीनों ईयर का नहीं बनाना है। जितने ईयर दिए होंगे उसमें से स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है उसका आपको टकावरी परसेंटेज फाइंड आउट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर होता है इस मेथड के अंदर हमारे लिए वो बेस ईयर बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे लिए, बेस ईयर बन जाता है, मतलब आधार वर्ष बन जाता है, क्योंकि इसी ईयर के बेस पर बाकी वाले जो ईयर होंगे, बाकी वाले जो वर्ष होंगे उसकी टकावरी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर का बेस ईयर मान लिया जाता है आधार वर्ष, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 100 होता है। अगर आप चाहो तो बना भी सकते हो, हर एक की वैल्यू आप 100 100 100 राइट डाउन कर लीजिएगा तो भी चलेगा, बट नहीं बनाओगे तो भी ओके। तो यहाँ पर आने वाले जो दो ईयर दिए गए 2018 और 19, उसके लिए हमने यह पत्रक रेडी कर दिया है। दोनों की टकावारी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं वलन दशावली टकावारी ट्रेंड परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक सिंपल सा कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपने 11 12th में भी पढ़ा ही होगा, जिसमें अचल आधार की पद्धति हुआ करती थी। तो 2018 के लिए देखिए फर्स्ट टकावरी कैसे फाइंड आउट करें, फिर 2019 के लिए देखिएगा। तो फर्स्ट ईयर को जैसे मैंने कहा आधार वर्ष है, बेस ईयर है, तो आने वाले सभी ईयर के लिए आपको फर्स्ट ईयर की अमाउंट को बेस बना देना है, आधार बना देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 2018 के लिए पहले अमाउंट देख लीजिए, जो भी नाम है, इक्विटी शेयर नाम दिया गया, इक्विटी शेयर मूड़ी, कोई भी अमाउंट हो, सेम ही सॉल्यूशन करना है, किसी के भी नाम की अमाउंट हो। तो जो फर्स्ट दिया गया 2018 के अमाउंट पहले मैं वो राइट डाउन कर रहा हूँ, 3 लाख इंटू में आपको पता है परसेंट के लिए ऑलवेज क्या करना पड़ता है, 100 करना पड़ता है। अब अपॉन में आधार वर्ष आएगा, क्या आएगा, बेस ईयर। तो बेस ईयर की अमाउंट चेक कीजिए इसकी कितनी, 3 लाख है। फॉर्चून ये भी 3 लाख दी गई, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो इसका मैंने 100 राइट डाउन किया। आई होप आप समझ गए। अब सेकंड 2019 के लिए आप सॉल्व करोगे तो भी आपको अपॉन में फर्स्ट ईयर की अमाउंट ही रखना है, क्योंकि हमारा क्या बेस ईयर है। 2019 की पहले अमाउंट चेक कीजिए, जो भी अमाउंट दी पहले 2019 की अमाउंट चेक कीजिए, 3 लाख दी गई है, इनटू में आपको पता है 100 रखना है, अपॉन में फर्स्ट ईयर की अमाउंट रख देना है जो बेस ईयर बनेगा हमारा, ये भी हमारा 3 लाख है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 100 आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 रखा है, 100 आ रहा है। जैसे सेकंड में चेक करते हैं, थोड़े सॉल्यूशन हम ज़्यादा करेंगे, ऑलरेडी एक मेथड तो इसके रिगार्डिंग वीडियो बन चुका है, बट इस मेथड में हम थोड़ा ज़्यादा डीप में समझेंगे सम्स के अंदर। अब 2,50,000 दिया गया, ठीक है, 2018 के अंदर, तो क्या करना है, 2,50,000 है, ये रफ काम है, ऐसा आपको दिखाना नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, इंटू में 100 डिवाइड में क्या आएगा, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर आधार वर्ष कितना है इसका, 1 लाख है, नाम भले प्रेफरेंस से मुड़ी कुछ भी हो, कितना दिया है, 1 लाख, तो अपॉन में कितना आएगा, 1 लाख आएगा। तो अब आप इंटू में 100 और डिवाइड में 1 लाख कीजिए, कितना आएगा, 250, या 100 के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि 1 लाख का या 2,50,000 हुआ है, मतलब 1 लाख के डबल से भी ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, 100% से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, वधारा हुआ है इसके लिए। अब सेकंड के लिए करेंगे, 2019 के लिए चेक कीजिए, इसकी भी अमाउंट 2,50,000 है, तो 2,50,000 इंटू में 100 और डिवाइड में 1 लाख करेंगे तो इसका भी आंसर 2,50,000 आने वाला है। अब याद रखिए टोटल या कुल करके जो भी लिखा हो, जैसे लिखा हमने वैसे लिखा है सम्स, जैसा छपा था वैसे लिखा, कुछ चेंजेस किया नहीं है। अब इन अमाउंट के लिए भी हमको सेम काम करना, ऐसा नहीं कि इसको प्लस कर दो, इसको प्लस मत कर देना, ठीक है, इन अमाउंट के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी। जैसे कि ये हमारा यहाँ आधार वर्ष कितना, 4 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पर अमाउंट 2018 की कितनी दी गई है, 5,50,000 दी गई, राइट, 5,50,000 दी गई, इनटू में आप 100 करोगे, अपॉन में कितना है, 4 लाख हो, इसके लिए अपॉन में कितना होगा, 4 लाख होगा। तो जैसे 4 लाख अपॉन में करोगे तो आपको पॉइंट में 3,7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चाहो तो पॉइंट में भी राइट डाउन कर सकते हो,
या इसको आप राउंड फिगर भी कर सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, 0.5 से ज़्यादा हो तो उसको राउंड फिगर कर सकते हो, बट आप चाहो तो एग्जाम की पर्पज से पूरा का पूरा जैसा आप लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो, मतलब अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आपके मार्क कट होने वाले नहीं है, ठीक है। 0.5 से ज़्यादा इंक्रीज, इस बार मैं पॉइंट के साथ लिख के बताता हूँ आपको, आइए आप समझ गए होंगे। 550 का भी सेम आंसर आने वाला, क्योंकि इंटू में 100 डिवाइड में 4 लिख करेंगे। एक दो और देखते हैं तो जिसे ध्यान से समझ में आएगा, एंड तक देखिएगा। मिल्कत का भी, एसेट्स का भी मैं करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब अगेन आगे आते हैं, जो भी सामने नंबर दिया गया, जनरल रिजर्व के नाम की एंट्री दी गई, आधार वर्ष के पहले अमाउंट चेक कीजिए, हमेशा पहले आधार वर्ष बेस ईयर की अमाउंट चेक कर लीजिए। 1,25,000 दिया गया, तो आगे 1,50,000 है, इंटू में क्या करना है समझ गए होंगे। 1,50,000 इंटू में 100 अपन में कितना आएगा, 1,25,000। साथ में कैसे लेकर बैठ सकते हो आप, समझ में जल्दी आएगा। अपन में 1,25,000 करोगे तो आपको राउंड फिगर में एग्जैक्ट मिलेगा 120 मिलेगा, ठीक है। सेम 2,00,000 है तो 2,00,000 इंटू में 100 डिवाइड में कितना है 125, आपको राउंड फिगर में 160 मिलेगा, ठीक है। आइए आप समझ गए होंगे। ऐसे 30,000 है इंटू में 100 डिवाइड में करोगे 40 तो आपको 75 मिलेगा। 20,000 इंटू में 100 डिवाइड में कितना करोगे 40 करोगे, मतलब आने वाले ईयर के लिए अपन में आपको 40 करना है इन सारी अमाउंट के लिए, तो ऑटोमेटिक कितना आएगा 50। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। आते एक दो और फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ मिल्कत की और एसेट्स की और पूरा सम्स आपको एक ही पेज पर राइट डाउन करना, नहीं हो तो सेकंड पेज पर जाना है, ठीक है। सेमिटीज में राइट डाउन किया हुआ है 2018 और 19 का, हम लोग टकावारी फाइंड आउट करेंगे परसेंट। तो पहली अमाउंट देख लीजिए आप, पागड़ी गुडविल के नाम की दी गई है। फर्स्ट बेस ईयर कितना 1,00,000 है, अब इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। 2018 की अमाउंट ऑलरेडी पहले से 1,00,000 ही दी गई है, इंटू में 100 और डिवाइड में बेस ईयर भी 1,00,000 ही है, इसके लिए इसका आंसर क्या आ रहा है 100 आ रहा है, क्योंकि ये अमाउंट दोनों सेम है इसके लिए। 2019 में भी 1,00,000 दिया गया तो इसका भी 100 ही आने वाला है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, जैसे जमीन मकान लैंड और बिल्डिंग दिया गया, अब इसकी अमाउंट बेस ईयर का चेक कर लीजिए, आधार वर्ष की 3,70,000 है तो हर एक के अपन में 3,70,000 आने वाला है। तो फर्स्ट अमाउंट है 2018 की चेक कर लीजिए, 4,20,000 इंटू में करेंगे 100 और डिवाइड में करेंगे 3,70,000। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है पॉइंट में, मैं पॉइंट में राइट डाउन करके सिखा रहा हूँ, आप चाहो तो राउंड फिगर कर सकते हो, 113.51 आ रहा है, ओके। सेकेंड 4,10,000 दिया गया, तो 4,10,000 इंटू में 100 और डिवाइड में अगेन 3,70,000 आएगा, ओके। तो यहाँ पर भी पॉइंट में आंसर आएगा, आप चाहो राउंड फिगर कर सकते हो 110.81, आप इनक्रीज करके 111 कर सकते हो। मैं पॉइंट में भी लिख के बता रहा हूँ, आप किसी भी तरह से लिखिए आपका आंसर राइट ही होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे टोटल का भी करके बता, टोटल में भी आपको ऐसे यही फॉलो करना है स्टेप, ऐसा नहीं कि आप टोटल कर ले यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल में 8,90,000 है, तो अबव में अपॉन में आपको 8,90,000 लिखना है। पहले 2018 की अमाउंट देख लीजिए, अब इंटू में 100 डिवाइड में 8,90,000, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है 102.25। सेम 9,80,000 इंटू में 100 डिवाइड में 8,90,000, 110.11 आ रहा है। तो कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप समझ गए होंगे, फर्स्ट ईयर को बेस ईयर लेना है, आधार वर्ष मान लेना है, उसको आने वाले ईयर की जो भी अमाउंट होगी उसके अपॉन में रखना है और इंटू में 100। अब आंसर चाहो तो राउंड फिगर में भी कर सकते हो, या फिर सेम डिस राइट डाउन करोगे तो भी परफेक्ट हो। आपको कन्फ्यूजन लगता है कि इसमें इंक्रीज करूँ ना करूँ, तो आप पॉइंट में राइट डाउन कीजिए सारे के सारे आंसर, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट, आई होप कि इंग्लिश में वालों को भी अच्छे समझ में आ चुका होगा, उसके लिए मुझे ज़्यादा कमेंट आए थे। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई सम्स स्पेशल आप चाहते हो कि आपको सीखना है, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को जिन स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपके स्टडी रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।